नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के बाद पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण सोनिया और राहुल की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। सोनिया और राहुल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शांति भूषण ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के शेयरों को गैर कानूनी तरीके से सोनिया और राहुल की कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती देंगे। भूषण ने बताया कि उनके पिता ने 1938 में एजेएल के 300 शेयर खरीदे थे। वो शेयर उनको विरासत में मिले हैं। अब उन शेयरों का मालिकाना हक उनके पास है। इस आधार पर वो अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। शांति भूषण का कहना है कि एसोसिएट जर्नल के शेयरों का इस तरह से ट्रांसफर पूरी तरीके से गैर कानूनी है। उन्होंने शेयर अपने नाम पर कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में वक्त लगेगा, लेकिन इसे चुनौती जरूर दूंगा। गौरतलब है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में शेयर ट्रांसफर को लेकर सोनिया और राहुल गांधी पर पहले से ही केस कर रखा है। स्वामी की शिकायत पर निचली अदालत ने 26 जून को समन जारी किए थे। उनका आरोप है कि यंग इंडिया लिमिटेड की ओर से एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण धोखाधड़ी है और यंग इंडिया में सोनिया और राहुल की 38% की हिस्सेदारी है। अब आपको बता दें कि क्या है नेशनल हेराल्ड केस। दरअसल नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी और 2008 में ये समाचार पत्र बंद हो गया। अखबार बंद होने के बाद यंग इंडियन नाम की एक निजी कंपनी ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया। इस कंपनी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी बतौर निदेशक हैं। सोनिया गांधी और राहुल के यंग इंडिया कंपनी में 76% शेयर है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को विश्वासघात और गंभीर घोटाले का आरोप लगाते हुए मामले को कोर्ट में ले गए थे।